ये अब मेरा एक थर्माकोल मैंने लगा रखा है और इसके ऊपर एक पेपर आता है। यार वीडियो स्टार्ट ही नहीं हुआ था। सिर्फ 500 रुपए में आप अपने यूट्यूब का पूरा स्टूडियो बना सकते हो और एक अच्छी क्वालिटी का वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को वीडियोस तो बनाने हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाने हैं, लेकिन वो लोग बस सोचते रह जाते हैं कि मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, अच्छा फ़ोन नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा ट्राइपॉड नहीं है और ना जाने क्या क्या, मतलब कुछ भी नहीं उनके पास, तो बनाएं कैसे वीडियोस। वेल यही सारी चीज़ें मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि यार आप कैसे वीडियोस बनाते हो, आपकी क्वालिटीज़ कैसे आती है, मतलब कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से वीडियोस बना रहे हो, आप कौन सा माइक यूज़ कर रहे हो, आपके माइक की जो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है तो कैसे यूज़ करते हो आप। वेल मैं आपको ये बताऊं, तो जो भी मैंने अपने सेटअप पे यूज़ करा, जो मेरा यूट्यूब का स्टूडियो है ना, बिल्कुल सस्ता है, मतलब कि कोई पैसा नहीं लगाया, सिर्फ 500 रुपीज़ के अंदर आप अपना यूट्यूब का स्टूडियो बना सकते हो, अमेजिंग स्टूडियो बना सकते हो और साथ में अपने वीडियोज़ को अच्छी क्वालिटी का वीडियोज़ बना के अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो। 500 रुपीज़ के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपना स्टूडियो भी बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में पूरा रोड मैप देने वाला हूं आपको, कैसे आपको सारी चीज़ें बने, साथ में अपना दिखाऊंगा मैं कौन कौन से मैं इक्विपमेंट्स को यूज़ करता हूं, ठीक है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो चलो फिर अब हम इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप अपने YouTube पे वीडियोस बनाने का सोचते हो कि जब मुझे वीडियोस बनाने, तो सबसे पहला जो वीडियोस बनाने के लिए इक्विपमेंट आता है वो होता है हमारा फ़ोन, मतलब कि कैमरा। अब स्टार्टिंग में कैमरा तो किसी का पैसा है नहीं, तो बात करते हैं फ़ोन की। तो फ़ोन से कैसे वीडियोस बनाना है, तो देखो फ़ोन ज़रूरी नहीं है आपके पास बहुत ज़्यादा महंगा हो, आप सस्ते फ़ोन से भी कर रहे हो तो अच्छी वीडियोस बना सकते हो, बस आपको बनाना आना चाहिए। ये भी एक स्किल है बहुत बड़ी कि आपको किस तरीके से अपने फ़ोन का यूज़ करना है वीडियो बनाते टाइम। जो मेरा फ़ोन है उसका नाम है वीवो 91, जो कि सिर्फ 10-11 हज़ार रुपये का फ़ोन है और इसी के अंदर ये सारी वीडियोस बनती है। क्वालिटी की बात करो तो बहुत अच्छी आती है, मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बाकी के लोगों ने भी मुझे बोला है कि क्वालिटी वीडियो की बहुत अच्छी आती है, कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो। तो भाई फ़ोन बहुत बिल्कुल भी महंगा नहीं है, 10-11 हज़ार रुपये का फ़ोन है, बट मुझे हमें यूज़ करना आता है अच्छे से, इसी वजह से वीडियोज़ की क्वालिटी बढ़ती है अच्छी, ठीक है। पहला हो गया फ़ोन की बात, तो जो भी फ़ोन आपके पास पड़ा है उस फ़ोन से आप अपने वीडियोस को बना सकते हो, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट की बात करूँ वीडियोस बनाने के लिए, तो वो आता है अपना ट्राइपॉड। अब ट्राइपॉड कौन सा यूज़ करना है, ट्राइपॉड 200-300 रुपए का आता है, उसको आप ले सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो उस ट्राइपॉड को। जो मेरा है वो 350 रुपए का मैंने मंगवाया था काफ़ी दिन पहले, 1 साल ज़्यादा हो चुका है और आज भी मैं इसको अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ, और इसी ट्राइपॉड से मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ को बना दिया अपने चैनल पर। अब ये भी ट्राइपॉड का भी चक्कर खत्म हो गया, ठीक है, 200-300 रुपये तो खर्च करना पड़ेगा भाई साहब आपको। तो अब हमारी तीसरी चीज़ की, तीसरी चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई लाइटिंग सही नहीं है। तो लाइटिंग की बात करूँ तो लाइटिंग यहाँ पे देख रहे हो, ये जो सस्ता सा लाइट है ये वाला, मतलब कि बल्ब अपना जो घर में होता है, सबके होता है घर में, एक बल्ब लिया हो 100-150 रुपये का बल्ब आएगा, उसमें आप बल्ब लगा सकते हो, अपने कैमरे के जस्ट पीछे लगा सकते हो, आपकी वीडियो की क्वालिटी बढ़ जाती है इस लाइट से। तो इस लाइट को अगर आप एक यूज़ करें तो भी बहुत है, बट दो यूज़ करें तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, दो यूज़ करेगा तो ज़्यादा अच्छा आएगा, बट मैं एक ही यूज़ करता हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छी क्वालिटी आता है एक से ही सिर्फ, ठीक है। ये दूसरी चीज़ होगी, लाइटिंग का भी चक्कर खत्म हो गया अब, ठीक है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें जो कि हमारा माइक, क्योंकि इससे आवाज़ क्लियर नहीं आएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का। वॉइस जो आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, तो इसके लिए मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप कौन सा माइक यूज़ करते हो। वेल मैं आपको बताऊं तो ये माइक बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, उस टाइम ऑफर चल रहा था, 350-300 रुपये का माइक था, मैंने खरीद लिया उस टाइम पे, वैसा कि इसकी आवाज़ सही नहीं थी, बट अभी जो मैं यूज़ करूँ तो माइक की क्वालिटी बिल्कुल अमेजिंग आती है। हो सकता है मेरे बोलने का तरीका चेंज हो गया, उस टाइम पे ज़्यादा इतना अच्छा नहीं था, बट अब ज़्यादा सही हो गया है, तो हो सकता है इस वजह से आवाज़ जो है इसकी क्वालिटी जो है इसकी बहुत अच्छी आती है। तो अभी जो मैंने माइक का लिंक डाल रखा है, शायद वो प्राइस बढ़ चुका होगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। बाकी यूज़ कैसे करना है, इसको यूज़ करने का भी तरीका होता है, ठीक है, बट आप यूज़ करो, देखो कैसे आवाज़ आती है आपको, फिर आपको पता चलेगा। तो माइक का चक्कर भी खत्म हो गया, कुछ रुपए माइक में लगे, माइक हो गया, लाइटिंग हो गया, ट्राइपॉड हो गया, आपका फ़ोन हो गया। अब क्या बारी है भाई, आप सारी चीज़ें आ गई आपके पास, अब जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है वो है आपका बैकग्राउंड। आपको बहुत ज़्यादा लगता होगा यार बैकग्राउंड, मतलब कौन सा बैकग्राउंड यूज़ करूँ, तो अभी मैं अपना बैकग्राउंड दिखाता हूँ आपको, क्या लगता है मतलब बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है, किस तरीके से मैं अपने बैकग्राउंड को बना रखा है मैंने, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ें, ठीक है। अभी मैं आपको अपना बैकग्राउंड दिखाता हूँ, तो बैकग्राउंड दिखाता हूँ क्या है ये, बेसिकली ये अब मेरा एक थर्माकोल मैंने लगा रखा है और इसके ऊपर एक पेपर आता है, रेड पेपर मैंने चिपका रखा है क्योंकि मुझे यहाँ पर अपना विजन बोर्ड बनाना था, बट अभी मैंने कुछ कोट्स वगैरह लगा रखे हैं, आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारे कोट्स वगैरह लगा रखे हैं। साथ में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन, पूरे दीवार में मैंने पूरा ग्रीन स्क्रीन लगा रखा है, पूरा मतलब ये पूरा दीवार में मैंने पूरा ग्रीन स्क्रीन लगा दिया है। और तो थर्माकोल की बात करें, 30 रुपीज़ का करीब थर्माकोल आया था, 5-6 थर्माकोल ला सकते हो आप साथ में, और उसके बाद कुछ कोट्स वगैरह आपको लगाना हो जो कि आपको अच्छा लगता हो तो उसके हिसाब से लगा सकते हो। और इस तरीके से ये पूरा सेटअप अभी रेडी हो चुका है, देख रहे हो, ये बैकग्राउंड दिखा दिया मैंने आपको, बैकग्राउंड दिखा दिया, और कुछ नहीं चाहिए भाई, और बस आपका कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको वीडियोज़ बनाना चाहिए,
आपको लगता है कि वीडियोस कैसे बनाए, कहाँ से कॉन्फिडेंस लाए, कहाँ से किस तरह सारी चीज़ें करें, तो इसके ऊपर मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा आपके लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप करना होता है इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इस चीज़ से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी, समझ में आ गया हो कैसे सारी चीज़ें प्रोसेस होती है। तो यार घबराओ मत बिल्कुल, आप वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करो। आप ये मत सोचो कि सेटअप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप बना सकते हो। बहुत सस्ता, बहुत चीप प्राइस बताया मैंने, इतने तो कोई भी खर्च कर सकता है यार। और आज के टाइम पर तो यूट्यूब एक बिजनेस बन चुका है, तो स्टार्ट कर दो अभी से ही, ठीक है। सो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वैल्यूबल वीडियो में। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, योर्स ट्रूली रोहित विले। तो कहाँ जा रहे हो यार, मतलब इतनी जल्दी जा रहे हो, मत जाओ इतनी जल्दी यार। सब्सक्राइब तो कर दो चैनल को, बोला नहीं मतलब करोगे नहीं आप, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज़, और लाइक कर दो इस वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो नहीं लगी तब भी कर दो। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, योर्स ट्रूली रोहित विले।